हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पी के द्विवेदी, गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम IIT BHU। और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो सबसे पहले इसमें आपको जानना जरूरी है कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। ऑल्दो ये काफ़ी बेसिक है, लेकिन एक बार देख लेते हैं, कहीं किसी को कन्फ्यूजन होगा तो बाद में वो कंप्लेन करेगा कि सर ये मुझे नहीं पता था। मान लो दो सेट है हमारे पास, ए एंड बी, और दोनों सेट नॉन एम्प्टी होने जरूरी है ना। तो उनका ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं? काफ़ी इजी। हमने दो सेट का यहाँ एग्जांपल ले रखा है, एक सेट ए है और एक सेट बी है, और इसका क्रॉस निकालते हैं, कर्ली ब्रैकेट लिखा। अब ए से बी को क्रॉस करना है तो आपको करना क्या है, वन के साथ थ्री को लेना है, वन के साथ फोर को लेना है। अब लिख लेंगे 1 3 1 4, उसके बाद टू के साथ आपको थ्री को लेना है, टू के साथ फोर को लेना है। तो आप लिख लेंगे 2 3 2 4, फिर थ्री के साथ थ्री को लिया और थ्री के साथ फोर को लिया, और ये अपना ही क्रॉस भी हो गया। क्या क्या सिंपल, एक बार और देख लो, 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4, ये होता है क्रॉस भी। समझ में कितने एलिमेंट्स होते हैं क्रॉस बी के? तो ये सिंपल आप यूनिटरी मेथड है कि ए कितने के साथ जाएगा, कितने के साथ, दो के साथ। ए भी कितने के साथ जाएगा, दो के साथ। ए कितने के साथ जाएगा, दो के साथ। हर एक जो है वो दो के साथ जाता है। तो मेरे पास कितने हैं, तीन। तो कितने के साथ कितना टोटल हो जाएगा, 3 × 2। तो दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट which is equal to, which will be equal to, here 3 × 2 = 6, simple। चलो आगे, b cross a लिखने बोला था, क्या a cross b और b cross a एक ही बात है? ना ना, बिल्कुल नहीं। तो चले a को कम से कम यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं एक बार। अच्छा, ए 1 2 3 है और बी 3 4 है, बी क्रॉस ए है, बी को पहले लिख लेते हैं और ए को बाद में लिख लेंगे, और अपने को करना है बी क्रॉस ए। तो क्या करना है, 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3, सिंपल लिख दे 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 and 4 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने देख लिया होगा, ए क्रॉस बी कर रहे थे, क्या कर रहे थे, 1 3, जबकि बी क्रॉस ए में क्या कर रहे हैं, 3 1। और 1 3 3 1 ये सेम बात नहीं है यार, 1 3 और 3 1 सेम बात नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेम नहीं है। अब सपोज हमें ए क्रॉस ए बोल दिया करने के लिए, तो ए क्या है हमारे पास, 1 2 3, और इसी के साथ करना है। एक बार और ए लिख लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं, बाद में इसको लिखने का जरूरत नहीं है। तो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, हाँ 1 1 1 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए, सिंपल यार, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, बी की जगह यहाँ ए ही है, तो दैट इज 3 × 3 विच इज 9। कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं रिलेशंस। अब रिलेशन क्या होता है, तो
रिलेशन जो होता है वो आपका होता है ए क्रॉस बी का सबसेट, रिलेशन जो होता है वो होता है आपका ए क्रॉस बी का सबसेट। जैसे ए क्रॉस बी करना तो हमने सीख लिया, ए सेट ए है और ए सेट बी है, वो ए क्रॉस बी कर लेंगे तो ए क्रॉस बी क्या होगा, वन रेड, रेड को आर से लिख देते हैं, टू सॉरी वन रेड वन ग्रीन, सिमिलरली टू रेड टू ग्रीन, थ्री रेड एंड थ्री ग्रीन, ए क्रॉस बी। अब इसका जो सबसेट बनाएंगे ना, सबसेट क्या होता है इसका पार्ट, तो सबसे छोटा सबसेट इसका कौन सा है, सबसे छोटा सबसेट किसी भी सेट का क्या होता है, एम्प्टी सेट बाय, ये भी एक रिलेशन है ठीक है। इसका एक सबसेट ले लेते हैं, मान लो दिस इज आर वन, दूसरा रिलेशन लेते हैं आर टू, इसमें इसका सबसेट लेना है तो मैं वन रेड ले लिया, वन कॉमा रेड एंड थ्री कॉमा ग्रीन ले लिया, यस दिस इज ऑल्सो अ सबसेट, दिस इज ऑल्सो अ रिलेशन। थर्ड, जैसे मैं ले रहा हूँ आर थ्री, मैं ले लिया वन रेड टू रेड एंड थ्री रेड और बंद कर दिया, दिस इज ऑल्सो अ सबसेट एंड दिस सो दिस इज ऑल्सो अ रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट। अब वो कैसे आएगा वो हमें बताएंगे, डेफिनेशन बताएंगे, कुछ बातें बोलेंगे और उन बातों से हमें समझना पड़ेगा कि किस सबसेट की तरफ इशारा कर रहा है, क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये बात बता, किसी भी सेट के ऊपर ए क्रॉस बी के ऊपर सबसे छोटा रिलेशन क्या है, सबसे छोटा रिलेशन डैट इज फाई, एम्प्टी रिलेशन। किसी भी सेट के ऊपर सबसे छोटा रिलेशन जो होता है वो होता है आपका फाई। बिगेस्ट रिलेशन, बिगेस्ट रिलेशन, रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो अगर हम बात कर रहे हैं सबसे बड़ा रिलेशन क्या होगा, तो वो सेट खुद हो जाएगा सबसे बड़ा, ए क्रॉस बी का सबसे बड़ा सबसेट, सब सारा सेट खुद का सबसेट होता है, तो यहाँ ए क्रॉस बी हो जाएगा या वो सेट खुद हो जाएगा, नीचे बिगेस्ट रिलेशन और स्मॉलेस्ट रिलेशन। शॉर्ट ट्रिक हम शुरू करने वाले हैं, थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा थोड़ा तो बेसिक जानना पड़ेगा ना, सीधा शॉर्ट ट्रिक फेंकेंगे तो फिर लोगों को दिक्कत होगा। अब डोमेन क्या होता है, बहुत सारा रिलेशन ऊपर लिखा था मैं, उसमें से एक रिलेशन मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, उससे एक रिलेशन हमने लिखा था ऊपर, वन रेड टू रेड एंड थ्री रेड। इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट का जो कलेक्शन होगा ना, वन टू थ्री, दैट इज अ डोमेन, उसी को हम लोग बोलते हैं डोमेन, वन टू थ्री, इसमें कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स। रेंज, रेंज क्या होता है, दिस इज कलेक्शन ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स। तो अगर हम यहाँ पर हम बात करें रेंज का, तो रेंज में क्या आ जाएगा, आर आर आर, लेकिन सेट के अंदर कोई एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते, इसलिए ये रेंज आर, रेंज समझ गए, सेट कलेक्शन ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स, डोमेन कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। अगला पहला शॉर्ट ट्रिक जिसका आपको इंतजार था, शॉर्ट ट्रिक आ गया, एस टी वन मतलब शॉर्ट ट्रिक फर्स्ट, क्या है, इफ ए सेट ए हैज एम एलिमेंट्स एंड सेट वी हैज एन एलिमेंट्स, देन नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, एक सेट के बाद एम एलिमेंट्स है, दूसरे के बाद एन एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी टू टू द पावर एम एन हो जाता है। अच्छा ए आया कैसे, ए आया ऐसे कि एक सेट में एम एलिमेंट्स हैं, दूसरे सेट में एल एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे, मैंने अभी आपको बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ए हो गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। नाउ हमें पता है अगर किसी सेट के अंदर
एक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स 2 to the power x होता है। तो इस सेट के अंदर m इंटू n एलिमेंट्स है, देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी इक्वल टू 2 to the power m। यू विल फाइंड दिस पीडीएफ इन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ओके, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसमें। एक सेट है ए 1, 2, 3, दूसरा सेट बी है ए कॉमा बी, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए क्रॉस बी। तो आपको पता है ए क्रॉस बी पे कितने होते हैं 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, 3 into 2, 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे। सो नंबर ऑफ सबसेट और नंबर ऑफ रिलेशन इज 2 to the power 6 विच इज 64। अब बोला ए क्रॉस ए, तो कितने एलिमेंट्स होंगे ए क्रॉस ए के अंदर, यार ए में कितने एलिमेंट्स है 3, तो ए क्रॉस ए में 3 into 3, 9 एलिमेंट्स। सो नंबर ऑफ सबसेट्स और नंबर ऑफ रिलेशन इज 2 to the power 9 विच इज इक्वल टू 5.2। सो आंसर इज 64, 5.2। कैन टेक ऑप्शन नंबर डी। अब कुछ आगे बात करते हैं, एम्प्टी एंड इनवर्सल रिलेशन समझते हैं क्या होता है। देखो क्वेश्चन के साथ ही समझते हैं, थ्योरी में क्यों टाइम उतना वेस्ट किया जाए। क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एम्प्टी एंड इनवर्सल रिलेशंस। इन सब को एम्प्टी रिलेशन और इनवर्सल रिलेशन में क्या करें आप, क्लासिफाई करें एंड ब्रेक कर दें, ठीक है। अब पहला है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज इन स्कूल। एक सेट का बात कर रहे हैं, पहले आपको कोई भी रिलेशन बताने से पहले सेट तो देगा ना। सेट क्या है, रिलेशन क्या है, ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी का सबसेट है, ठीक है। तो सेट तो बताओ यार, किसको क्रॉस करना है। तो इन्होंने बताया है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ बॉयज स्कूल, ऑफ अ बॉयज स्कूल। एक बॉय स्कूल है, बॉयज स्कूल है, उसके सारे स्टूडेंट का कलेक्शन हमारा सेट ये है। R1 पहला रिलेशन है, रिलेशन अब देखो इस सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन को डिफाइन कर रहा है। सेट्स के वीडियो पहले डले हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म समझ में नहीं आता तो इसलिए मैंने पहले डाल रखा है उसको ए बी, ठीक है। ए इज सबसेट ऑफ बी, सॉरी ए इज सिस्टर ऑफ बी। अब वाई स्कूल है और हमने ये रिलेशन जो है वो सेट ए पे है, तो हमने क्या किया होगा, एक मान लो ये बॉयज स्कूल है, सेट ए जो है बी वन है, बी टू है, बी थ्री है, ऐसे करके बहुत सारे हैं। जब हम ए क्रॉस ए करेंगे यार, जो भी आएगा उसमें बी वन आ जाएगा, बी वन कॉमा बी टू, ऐसे करके बहुत सारा आएगा, बहुत सारे कलेक्शंस आएंगे इस तरीके से, बहुत सारे एलिमेंट्स ए क्रॉस ए में आ गए। अब उनमें कौन सा सबसेट आपको लेना है, उन उन एलिमेंट्स को लेना है जिसमें ए माने ए कॉमा बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी, मतलब पहला एलिमेंट दूसरे का सिस्टर। अगर ये समझने में थोड़ा परेशानी है तो थोड़ा ऊपर आ जाते हैं, आपको थोड़ा और समझा देते हैं, फिर आपको बात समझ में आ जाएगा। जैसे हमने ए क्रॉस बी डिफाइन किया था, तो इसमें मान लो कोई सबसेट, मान लो एक रिलेशन किसी ने डिफाइन किया आर ए कॉमा बी सच दैट, ठीक है, बी इज ऑफ ग्रीन कलर, B is of green color, ऐसा देखो क्या होगा ये सेट। आपको इसका सबसेट ऐसा लेना है, A कुछ भी हो पता नहीं, B होना चाहिए ग्रीन कलर। तो B ग्रीन कैसे होगा, A क्रॉस B, तो इसमें A आ जाएगा, यहाँ ग्रीन है, यहाँ ग्रीन है, यहाँ ग्रीन है। इस R जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 green 2 green, समझ रहे हो। इस तरह से आपको एलिमेंट्स के बारे में बता देगा कि आपको कौन कौन सा ए क्रॉस बी का कौन कौन सा एलिमेंट आपको लेना है, कौन सा सबसेट बनाना है रिलेशन में, ठीक है। वो इशारे करते हैं, वो बताते हैं आपको, क्वेश्चन इतना कर लेंगे ना, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा बाय द एंड।
तो बोला कि यहाँ पर एक सेट है ऑफ ऑल इस, ये सब बात कर चुके हैं, सारे बॉयज का सेट है, एक रॉ से हमने निकाल लिया। अब ये सेट ऐसा है कि ये जो होना चाहिए बी में, अब पहला जो एलिमेंट है दूसरे का सिस्टर होना चाहिए। यार पॉसिबल है क्या इसमें? सारे लड़के लड़के हैं, कैसे ये पहला वाला दूसरे का सिस्टर हो जाएगा? नो, नॉट पॉसिबल। मतलब दिस इज रिलेशन नहीं है क्या? हाँ रिलेशन है, बट दिस इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन, दैट इज फाइव, और एम्प्टी रिलेशन। दिस एम्प्टी रिलेशन को ऐसे लिखते हैं यार, ऐसे लिखते हैं कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। अच्छा R2 की बात करते हैं। हाँ ए कॉमा बी तो ऐसे ही लिख दिया जाता है, मतलब उसमें से आपको इस तरह के पेयर उठाने हैं। क्या है? डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर। तो बच्चे है ना, इन दोनों के हाइट में 3 मीटर से कम का डिफरेंस होना चाहिए। अब बताओ, इंसान है, बॉयज स्कूल है, तो दो बच्चे का हाइट में 3 मीटर से ज़्यादा का डिफरेंस हो जाएगा क्या? कभी पॉसिबल नहीं है इंसानों के बीच में 3 मीटर से ज़्यादा का डिफरेंस। तो ये क्या होगा, सभी आ जाएंगे, कोई भी दो बच्चा लो उनके बीच में हाइट का डिफरेंस विल बी लेस देन 3 मीटर। सो दिस इज, ये यहाँ पर रिलेशन के बदले वो पूरा का पूरा ए क्रॉस ए ही आ जाएगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन किसको बोलते हैं? पूरा का पूरा क्रॉस, जैसे ए और बी को क्रॉस किए, ए क्रॉस बी इज एन यूनिवर्सल रिलेशन, सबसे बड़ा सबसेट। तो हियर R2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिवर्सल रिलेशन। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए हैं कि एम्प्टी रिलेशन क्या होता है और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। अब अपना अगला हेडिंग है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, क्वेश्चन के साथ समझते हैं, ठीक है? हमने डेफिनेटली, हम अब जो भी बात करेंगे दो सेट को क्रॉस करते हैं, तो इस बार रिफ्लेक्टिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव जो भी बात करेंगे उसमें एक ही सेट को खुद के साथ क्रॉस किया जाता है, लेकिन आपको सेट बताएगा पहले। अब यहाँ देखो क्वेश्चन क्या है, एक सेट दिया, लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। एक प्लेन के अंदर जितनी ट्राइंगल बना सकते हो सभी का कलेक्शन क्या है? टी। ट्राइंगल 1, ट्राइंगल 2, ट्राइंगल 3, ऑल ट्राइंगल, दुनिया का सारा ट्राइंगल आ गया भाई इसमें, सारा ट्राइंगल हमने ले लिया। अब रिलेशन बात करने से, रिलेशन होता है सबसेट किसका, क्रॉस का, तो आपको करना पड़ेगा टी क्रॉस टी। टी क्रॉस टी किया क्या होगा, T1 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 T2 and so on, ऐसा होगा। अच्छा ये होगा, ऐसा बहुत सारा एलिमेंट आएगा, बहुत सब क्रॉस रो किया होगा, लेकिन अपने को आइडिया का जरूरत है। अभी रिलेशन R डिफाइन किया गया T1 T2, आपको उनमें से उन्हीं कलेक्शन को लेना है। T1 और T2 क्या हो जाए, एक दूसरे का कॉन्ग्रेंट हो जाए। तो कौन कौन आएगा, कौन कौन आएगा, जो जो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे, अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट होगा कलेक्ट हो जाएगा, ये दोनों नहीं होंगे तो इसको नहीं लेंगे। जो जो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे उसको हम इसमें क्या कर लेंगे, ले लेंगे। अच्छा उसको हम यहाँ पे ले लेंगे, ओके ठीक है, ये अच्छी बात है, हम ले लेंगे ट्राइंगल को। T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। अब रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, हमने क्रॉस किया होगा T को, खुद से क्रॉस किया होगा, तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आए होंगे, लेकिन उसमें जब भी हम T क्रॉस T कर रहे होंगे, किसी सेट को खुद के साथ क्रॉस कर लिए होंगे, जो पहला एलिमेंट T1 है, तो T1 भी तो आया होगा ना खुद के साथ, इसको खुद के साथ क्रॉस कर, पहला का T1, फिर इधर भी T है, T1 T into T T1 T1 आया होगा, T1 T2 T सब आया होगा, हमको T1 T1 से मतलब। फिर जैसे सेकेंड एलिमेंट पे आए T2 T1 T2 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 T3 आया होगा, मैं जैसे T2 T2 से मतलब है,
सिमिलरली T3 इस तरह के एलिमेंट्स सारे होंगे ना, इस तरह के एलिमेंट्स हो। अगर कोई रिलेशन ऐसा है जो T1 T2 T2 T3 T3 सच टाइप ऑफ सारे कलेक्शन को कलेक्ट कर ले, उस सारा एलिमेंट उसके अंदर आ जाए, वैसे रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। रिफ्लेक्सिव किसको बोलेंगे, जिसमें एक एलिमेंट के अंदर T1 T2 T3 एलिमेंट्स हैं, तो T1 T1 T2 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 और T3 T3 तीनों के तीनों आ जाए, कोई एक मिस नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स्ट्रा आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बहुत सारे एग्जांपल करेंगे, घबराना मत। तो बताओ, तो इस रिलेशन के अंदर T1 T1 आ जाएंगे क्या? ये पेयर जब ही सेलेक्ट होगा जब पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ T1 T1 लिखा है, दोनों सेम ही ट्राइंगल है, तो पहला ट्राइंगल दूसरे का कॉन्ग्रुएंट नहीं है? हाँ है, तो दोनों सेम ही ट्राइंगल है, कॉन्ग्रुएंट ही है। T2 T2 है क्या कॉन्ग्रुएंट? T3 T3 ये जो रिलेशन R होगा इसमें T1 T1 आएंगे, T2 T2 भी आ जाएगा, इसमें T3 T3 भी आ जाएगा, T4 T4 भी आ जाएगा, सारे आ जाएंगे। एक्स्ट्रा कोई आर हो सकता है, T1 T5 भी कॉन्ग्रुएंट हो, कोई बात नहीं, T1 T1 आना चाहिए, T2 T2 आना चाहिए, T3 अगर सारा खुद के साथ आ जा रहा है ना, T2 T2 T3 T3 तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। अगर एक भी छूट गया, सुरक्षा चक्र टूट गया, मतलब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्या? हाँ, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। होल्ड करना नहीं समझ में आया तो इजी एग्जांपल लेते हैं, अब आ जाएगा समझ में। जैसे ये वाला एग्जांपल से तो सभी को समझ में आ जाता है, एक सेट ए है 1, 2, 3, बोला ए वाला रिलेशन रिफ्लेक्सिव है क्या? अच्छा, ए क्रॉस ए किया होगा, इसने भी किया होगा, ए क्रॉस ए किया होगा रिलेशन निकालने से पहले, तेरे ए क्रॉस ए में 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3 सारा आ गया होगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए? 1, 1 इसके अंदर आना चाहिए, 2, 2 भी इसके अंदर आना चाहिए, 3, 3 भी आना चाहिए। हाँ, 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 सारे के सारे प्रेजेंट है, हाँ, तो ये रिफ्लेक्सिव है। एक्स्ट्रा आ गया नॉर्म में, अब ये आया कैसे? कोई डेफिनेशन होगा उसको, आउटकम ये लिखा है, तो दिस एक भी छूटना नहीं चाहिए, 1, 1 भी आए, 2, 2 भी आए, 3, 3 भी आए, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे यहाँ हमारे पास एक रिलेशन है, R इन द सेट Z ऑफ इंटीजर्स गिवन बाय R, A, B, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ही कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। R इज द सेट ऑफ Z, Z मतलब इंटीजर्स, एक सेट जो दिया है R इन द सेट ऑफ Z, यानी इंटीजर्स के सेट पर ये रिलेशन जो भी R है डिफाइन किया होगा, मतलब आपने Z क्रॉस Z कर रखा है, मतलब इसमें सारे इंटीजर को ऐसे करके मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो आप ऐसे सोचो ना कि क्या कर रहा होगा, ऐसे करके बहुत सारे इंटीजर, -3, -2, -1, 0, 1, 2 क्रॉस -3, -2, -1, 0, 1, 2 ऐसे सबको मल्टीप्लाई किया होगा, सबको मल्टीप्लाई किया। अब बोला एक रिलेशन है, उसमें से किसको किसको लेना है, कौन सा सबसेट आपको लेना है, वो ऐसे है A, B सच दैट 2 डिवाइड्स A-B, 2 जो है वो A-B को डिवाइड करता है। अच्छा, तो हमें ये रिलेशन लिखना नहीं है, मेरे से पूछा क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? अच्छा, रिफ्लेक्सिव है मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, मतलब मेरा जैसे मैं बात करूँ, कोई भी एलिमेंट ले लो, -3 ले लेते, -3, -3 इसके अंदर होना चाहिए, और क्या एलिमेंट है सेट के अंदर, -2, तो -2, -2 इसके अंदर होना चाहिए,
और कौन एलिमेंट है, माइनस वन, माइनस वन कॉमा माइनस वन इसके अंदर होना चाहिए, जीरो जीरो कॉमा जीरो इसके अंदर होना चाहिए, वन कॉमा वन इसके अंदर होना चाहिए, एंड सो ऑन। इधर भी नेगेटिव माइनस फोर उससे पहले जितना सारी इसके अंदर होना चाहिए, एक भी छूट गया रिफ्लेक्सिव होगा नहीं, एक्स्ट्रा आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बात बताओ, इसमें क्या है, पहले एलिमेंट में से दूसरे एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करना था और उसके बाद वो टू से डिवाइड हो जाना चाहिए। अब बताओ, जब दोनों एलिमेंट्स इक्वल ही हैं तो अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, माइनस थ्री माइनस माइनस थ्री क्या हो जाएगा, माइनस थ्री प्लस थ्री जीरो हो जाएगा। खुद को खुद से सब्ट्रैक्ट करो किसी भी एलिमेंट को, तो हमेशा जीरो आएगा, हमेशा जीरो आएगा। एंड टू डिवाइड्स जीरो, यस टू डिवाइड्स जीरो, जीरो इज डिविजिबल बाई एवरी नंबर। सो इस तरह के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे। सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, एक भी नहीं छूटा। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है अपना वो है, जस्ट अ मिनट है ना,